ये है हमारा सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अब तक हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने बजट लाइन पढ़ लिया था, बजट सेट के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद चेंज इन बजट लाइन पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसको हमने कहा है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इससे रिलेटेड टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। देखिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है ना। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि हम इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में समझेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम आसान भाषा में ही समझेंगे। चलिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अभी भी आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या खोया क्या पाया। मैं अगर आपको याद हो तो मैंने एक सूत्र दिया था हिंदी में कि जब भी इस तरह की चीज़ें आपको समझनी हो तो उसको कहीं से कोरिलेट कर लीजिए, किसी स्टोरी से आप कोरिलेट कर लीजिए, ताकि आपको वो याद रहे, मेमोराइज रहे। तो यहाँ पर क्या खोया क्या पाया, इसी को पकड़ कर आगे बढ़ेंगे। इट इज़ द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट के अंदर है गुड्स वाई ऑब्लिक गुड्स एक्स ब्रैकेट क्लोज वन गुड्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड्स। जनरली इट इज़ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसको हम और इजी इंग्लिश में या और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ कंज्यूमर हु वांट्स टू परचेज वन मोर यूनिट ऑफ सम अदर गुड्स। वी हैव ऑलवेज टेकन गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। सो लेट्स से आई एम एज अ कंज्यूमर आई एम स्पेंडिंग माय होल अमाउंट ऑफ इनकम ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स एक्स, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू परचेज सम अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ गुड्स वाई। In that case, I have to lose some quantity of goods X. Okay? In the same manner, when we are purchasing with entire income the quantity of goods Y, so to purchase the commodities of goods X, we have to sacrifice for few units of goods Y. As you can see in the example or in the formula, MRS is equal to goods of loss of goods Y upon gain of goods X, taken or delta Y delta X. Friends, delta represents a change in anything, like whatever variable you are taking, delta represents the change in that variable. As you, if you are a maths student or if you are a accounts or commerce student, definitely you know the meaning of delta. Okay, so हम बात कर रहे थे यहाँ पर change की, जिसको हम delta से represent करते हैं। तो जो quantity आपने sacrifice की है y की, वो कहलाती है लॉस ऑफ गुड्स वाई, यानी कि डेल्टा वाई। और जितनी क्वांटिटी आपने गेन की है गुड्स एक्स की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गेन ऑफ गुड्स एक्स और डेल्टा एक्स, ठीक है ना। डेल्टा चेंज का उद्योग है, या कह सकते हैं सिंबल है, ये बढ़ा है या घटा है इसको आप प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। देखिए वहां पर लगा हुआ है माइनस का साइन, ठीक है ना। तो जो आपने खोया है ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगा, इसलिए वो माइनस का साइन लगाया गया है, ठीक है ना। आगे की तरफ आई होप कि आपको MRS समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की तरफ। इंडिफरेंस को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। इन डिफरेंस, ठीक है ना, जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो, थ्रू आउट द लाइन यू आर गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस सॉरो वट एवर यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इनडिफरेंस इज दैट फिनोमेना इन विच यू डिडंट फाइंड एनी डिफरेंस, ठीक है ना। और इनडिफरेंस कर्व की जब हम बात करने लगते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये शो करता है एक ऐसा लेवल जिस पे कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फैक्शन ही पाता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब ये क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर पिछला वीडियो याद हो तो मैंने उसमें एक स्लोप बनाया हुआ था, और उसमें बताया था इनडिफरेंस कर्व में कि कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो परचेज कर सकता है एक्स और वाई के। तो देखिए हर जगह पर वो 12-12-12 खरीद रहा था, क्वांटिटी हमेशा 12 ही थी, ठीक है ना, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी था, अगर आपको याद हो सके तो। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है ना। ये इसको हम थोड़ा सा अब डायग्राम के उस पर समझ लेते हैं। आई हैव टू चेंज द कलर फर्स्ट। ओके,
बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल होनी नहीं चाहिए आप लोगों को समझने के लिए। लेट्स सी, अभी भी चेंज नहीं हुआ कलर, अब हुआ, यस। चलिए लेट्स से कि कोई एक पॉइंट यहाँ था, कोई एक पॉइंट यहाँ था, कोई एक पॉइंट यहाँ था, इन तीनों ही पॉइंट पर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाइड था, ठीक है ना। जब हमने इन तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, सॉरी पॉइंट थोड़ा आगे रह गया, तो इसको हमने बोला इंडिफरेंस कर्व। अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। तो एक ऐसी लाइन, ठीक है ना, जिसपे हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर या यहाँ पर होगा तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, सो दैट वी कैन टेक एन अदर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आईसी कर्व समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये एक ऐसा कर्व है जो दो कम्युनिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिनसे हर एक कंज्यूमर को एक सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है ना, कोई भी चेंज नहीं होता। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड, ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना, दैट इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था हैंड्स के हिसाब से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, डेफिनेटली ऑब्वियसली, ठीक है ना, जब भी कोई चीज नेगेटिव स्लोपवर्ड होगी, ठीक है ना, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, इस तरह से बन रही होगी। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का बड़ा एक पॉइंट रहता है, द्वंद रहता है, ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपको उसमें दिक्कत हो। तो कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव है लेफ्ट टू राइट, तो वो इस तरह से होगी, ठीक है ना। और आपने लेंसेस में जब पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है, जब कोई चीज़ इस तरह से बनती है तो ये कॉन्वेक्स कहलाती है, जब कोई चीज़ इस तरह से बनती है तो कॉनकेव कहलाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कर्व कैन नॉट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन, एक भ्रांति हमेशा बनी रहती है, जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर टच ईच अदर, तो बच्चे क्या समझते हैं, लोग क्या बताते हैं और पढ़ा देते हैं कभी कभी कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, नो डेफिनेटली नॉट। अगर कोई दो चीज़, इसके अक्सर मैंने देखा है लोगों को एग्जांपल देते हैं कि वो रेल की पटरी का एग्जांपल दे देते हैं, तो बच्चों को क्या लगता है कि रेल की पटरी हमेशा पैरेलल चलती है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और दे नेवर टच ईच अदर, सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू गिव टू द न्यू कंटेंट, ठीक है ना, एड टू द न्यू कंटेंट, बट दिस इज टोटली रॉन्ग, आई कैन शो यू हाउ, दिस इज द इंडिफरेंस कर्व, क्लियर। उस पॉइंट में कह रहा है कि वो टच नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, ओके, तो मैं ना तो टच करूंगा ना तो इंटरसेक्ट करूंगा, लेकिन मैं पैरेलल भी नहीं बनाऊंगा, दिस इज ऑल्सो अ इंडिफरेंस कर्व, माइंड इट, ठीक है ना। एक इंडिफरेंस कर्व इस तरह का भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जो आप डायग्राम्स देखते हैं और जो रियलिस्टिक डायग्राम होते हैं उनमें वही फर्क है जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल पिक में और आधार कार्ड की पिक में होता है, ठीक है ना। तो फेसबुक की जो प्रोफाइल पिक है वो समझ लीजिए आपकी इकोनॉमिक्स में बने हुए डायग्राम है, और जो आपके आधार कार्ड में लगी हुई फोटो है वो आपके रियलिस्टिक डायग्राम्स हैं, ठीक है। आई होप आपको अब आप क्लियरली समझ में आ गया होगा कितना बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यस। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए नीचे बहुत खूबसूरत सा डायग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ क्लाइंब करते जाएंगे आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्लियर। तो इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, अब दोस्तों हम आते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पर। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके सेकंड पार्ट में हैं हम वीडियो के। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डियर स्टूडेंट्स इज नथिंग बट अ लेवल वेयर अ कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट ही इज गोइंग टू पे,
ठीक है ना। मैंने उस दिन भी आपको छोटा सा एक एग्जांपल देकर समझाया था कि अगर कोई एक झाड़ू है वो 1,000 रुपये की दे रहा है सेलर, तो यू आर डेफिनेटली नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो 2 रुपये की भी दे रहा है तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ना। जब आप 50 रुपये की वो चीज़ खरीद रहे थे तो आप सेटिस्फाइड थे, बिकॉज आपको लगा कि हाँ जितना पैसा मैं पे कर रहा हूँ उतने लेवल का सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। इन द सेम वे यू हैव अ लिमिटेड इनकम, आपकी इनकम की एक लिमिट है, उसकी पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे, ठीक है ना, फोकल पॉइंट पे अगर कोई इंडिफरेंस कर्व टच करता है तो ही आप सेटिस्फाइड होंगे, इक्विलिब्रियम लेवल में आएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। अ कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम मनी और मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। ही अटेन्स इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखिए इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, इसमें कोई दिक्कत ना हो। और मुझे लग रहा है मुझे अपना ये थोड़ा सा मार्कर बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एक आसान भाषा में समझिए, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, हम लोगों की एक सीमा होती है, सीमा इन द सेंस हमारी एक लिमिट होती है इनकम की, ठीक है ना। इससे हम बंधे हुए होते हैं, इससे बंधे इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं खरीद सकते, इसके अंदर खरीद सकते हैं। और अगर आप कम पैसा लगा रहे हैं तो हमेशा मन में ये कम ही रह जाती, एक मलाल रह जाता कि अगर थोड़ा सा पैसा और लगाता तो मुझे अच्छी चीज़ मिल जाती, ठीक है ना। लेट्स से यू आर गोइंग टू परचेज अ कार एंड यू हैव अ इनकम और यू हैव अ मनी अराउंड 6 लाख, एंड इफ़ यू आर परचेजिंग अ कार लाइक क्विड इन अराउंड 4,25,000, सो द रिमेनिंग अमाउंट विल ऑलवेज मेक यू रिग्रेट, टू फील यू रिग्रेट दैट इफ आई हैव पेड दैट मच अमाउंट आई कुड हैव बीन परचेज सम बेटर कार, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको रहता है, इसीलिए कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो हमेशा क्या करता है, अपनी पूरी इनकम को अच्छे से यूटिलाइज करता है और एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने की, एक अच्छा कॉम्बिनेशन खरीदने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक कर्व यहां बना दूं, अब मैं इसको बात कर रहा हूं, ये लेट से ये कार है ऑडी, उसकी बजट लाइन से बाहर है। ये है एक कर्व मारुति जेन, ये है एक कर्व, देखिएगा टच नहीं हुआ अभी भी, ये होंडा मेज है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर एक कर्व इस तरह से है जो टेंजेंट करते हुए निकलता है, सॉरी ये तो टच कर गया, आप फिर कहेंगे कि पूरी थ्योरी खराब कर दी सर ने, तो इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये थी हमारी बजट लाइन, ठीक है ना। आपके बारे में इतने सारी कार्स नहीं ड्रॉ करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। ये लीजिए आपकी ऑडी मारुति 800, ठीक है ना। अब एक कार ये है आपकी जो इसको टच करके निकल रही है, ये है मान लीजिए MG हेक्टर, बढ़िया गाड़ी है, मैं गाड़ी का प्रचार नहीं कर रहा, मुझे मैंने एड्स देखे तो मुझे अच्छी लगी, भी नई आई हुई है। तो ये जो उसकी थी बजट लाइन में सूट कर रही थी, तो जहाँ पर ये टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, वहीं पर क्या है उसका इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि दो गुड्स, तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर, ठीक है ना, यहां पर कोई दो गुड्स के कॉम्बिनेशन थे, यहां कोई दो गुड्स का कॉम्बिनेशन था, यहां था, यहां था, यहां भी था। तो इंडिफरेंस कर्व की क्वालिटी क्या पड़ी थी हमने, पहली क्वालिटी क्या थी, पहली क्वालिटी यही थी कि पूर थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व अ कंज्यूमर इज ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, पूरे ही उसमें क्या होता है सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होता, सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे होता है, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो इक्वल होता है। बट देयर इज सम कॉम्बिनेशन विच मैचेस हिज बजट लाइन, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन था जो उसकी बजट लाइन से मैच कर रहा था, तो वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के केस में पहुँच जाता है, ठीक है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। देखिए पहला है कि कार्डिनल अप्रोच होना चाहिए, कार्डिनल अप्रोच और जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा समझ से चलते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस होता है, एक को आप काउंट कर सकते हो, दूसरे को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन जस्ट से
कार्डिनल में कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 में काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल में होता है हम मोर देन और लेस देन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक फर्स्ट यूनिट इज वॉज मोर बेटर देन द सेकंड यूनिट और सेकंड यूनिट इज मोर बेटर देन द फर्स्ट यूनिट, आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है कि कार्डिनल क्या रहेगा ऑर्डिनल क्या रहेगा, उनके लिए मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। कार्डिनल और कैलकुलेटिव में सी कॉमन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कार्डिनल को काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई होप कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, ठीक है ना। तो कार्डिनल को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल को आप काउंट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी एकेडमी मेजर, यूटिल इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है ना। तो जो कार्डिनल अप्रोच है, ठीक है, इसमें बताया गया, मार्शल ने दिया था, इन्होंने कहा कि आप यूनिट को और जो यूटिलिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में, और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक जो यूनिट दी गई SI यूनिट थी वो थी यूटिल्स, ठीक है। कंडीशन क्या है, इन ईच केस ऑफ, इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है ना, ईच केस में सारी में यही फॉलो होगा, चाहे वो एक कमोडिटी का केस हो चाहे दो कमोडिटी का केस हो, ठीक है ना। इन केस ऑफ वन कमोडिटी MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स, यहाँ पर हमने एक्स को गुड माना है, अपॉन प्राइस ऑफ एक्स गुड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं और जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, जब उस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइस के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। हमने पहले ही दिन समझाया था इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द बैलेंस ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, क्लियर। अब यहां पर उन्होंने लिया है MUM इज इक्वल टू 1 और MUX इज इक्वल टू PX, PX जो है वो MUX के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए टू कमोडिटीज के केस में भी सेम है, अगर मैं देखिए इसमें कुछ इन्होंने खास नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखें इन्होंने सिर्फ इसमें X और Y का फर्क कर दिया है, ठीक है ना। यहां पर MU, एक मिनट आप यहां पर ध्यान से देखिए, इन्होंने MUX और यहां पर PX, यहां MUY और यहां पर PY कर दिया है, खास कोई डिफरेंस आया नहीं है इसमें, बस इन्होंने जो गुड्स के नाम थे वो बदल दिए हैं। अब कहने का मतलब है कि जो X कमोडिटी और जो Y कमोडिटी है दोनों के जो यूटिलिटी प्राइस के रिलेशन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए मनी के, कैसे समझते हैं। लेट से मैं कोई दो कमोडिटीज खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सेब भी खरीद रहा हूँ, मैं संतरा भी खरीद रहा हूँ, और मैं कुछ जो पैसे पे कर रहा हूँ उससे मुझे ये लगना चाहिए कि मैंने अपने 100 रुपये में एक ऐसा अमाउंट खरीदा है, एक ऐसी क्वांटिटी खरीदी है जिसमें दोनों ही चीज़ें मैंने पर्याप्त मात्रा में खरीद ली हैं। अगर मैं सेब 250 ग्राम लेता हूँ और मैं पूरे बचे हुए पैसे का सिर्फ संतरा ले लेता हूँ तो मन में डिससेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा संतरा सेक्रीफाइस करके सेब की और क्वांटिटीज़ ले सकता था। यही चीज़ अगर मैं सेब के और संतरे के साथ उल्टा कर दूँ, मैं संतरे को सिर्फ 250 ग्राम लेता और बाकी जो है वो मैं सेब ले लूँ, तो मुझे हमेशा ये रहेगा कि नहीं, मैं कुछ यूनिट्स सेब की सेक्रीफाइस करता तो मुझे संतरे की कुछ यूनिट्स और मिल जाती। बट अगर मैंने दोनों को एक ऐसे अमाउंट, एक ऐसी क्वांटिटी में खरीदा हुआ है, लाइक मैंने दोनों के एक एक किलो खरीदे हैं, तो आई एम नाउ मोर सेटिस्फाइड दैट या मैंने दोनों बराबर खरीदे हैं, 100 रुपये मेरे पूरे पूरे तर गए हैं, ठीक है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू पे, इट गिव्स यू द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ आइदर 2, 3, 4 और मैनी कमोडिटीज, ओके। सो अगला जो पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि जो आपका MU होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, जो अभी तक हम कंडीशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यूनिट्स दिखाई गई, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है कि लेट्स से आई हैव कंज्यूम्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं, ठीक है ना, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो MUX जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है, और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होते हैं ये सब, ज़रा सा मिस हो जाएगा आपके दिमाग से तो कभी दोबारा समझ में नहीं आएगा, फिर आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने एक्स गुड्स की पहली यूनिट कंज्यूम की तो मुझे 36 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे 36 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो आपको पता है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है, जैसे जैसे मैं कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा मेरी यूटिलिटी घटती जाएगी, 33, 30, 27, 24 and on 6th unit it comes to 21. In the same case,
एम यू ऑफ वाई यानी कि वाई गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो फर्स्ट कंजम्पशन पे थी 40, सेकेंड कंजम्पशन पे 36, देन 32, 28, 24 एंड ऑन सिक्स्थ इट इज 20. क्लियर? नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट. अब इन्होंने प्राइस दिया हुआ है, एजम्पशन में नीचे देखिए प्राइस दिया हुआ है ₹3 एक्स का और ₹4 वाई का. क्लियर? तो अब मैं उससे उसको डिवाइड कर दूंगा. जब मैंने एक यूनिट खरीदी, ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो उसको, ठीक है ना. तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ₹3 से जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है आंसर, ठीक है ना. 36 डिवाइडेड बाई 3 इट विल गिव 12, 33 डिवाइडेड बाई 3 11, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 21 डिवाइडेड बाई 3 7, ठीक है. देन आफ्टर 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि y की जो कमोडिटी की जो प्राइस है वो कितनी है, ₹4 है. क्लियर? तो सिमिलरली वी विल डिवाइड द एम यू वाई विद पी वाई एंड वी विल गेट 10, 9, 8, 7, 6, 5. नाउ हियर 9 इज रिटन इन बोल्ड लेटर्स. इट मीन्स दीज टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लाइक 2 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 4 यूनिट्स ऑफ एक्स आर प्रोवाइडिंग यू द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यू कैन सी देयर 9 and 9. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नाउ कम टू द ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच वॉज गिवन बाई हिक्स. देर वॉज अ इकोनॉमिस्ट हिक्स हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी एंड क्रिटिसाइज द कार्डिनल अप्रोच. ही सेड दैट यू कैन नॉट कैलकुलेट यूटिलिटी इन नंबर्स फॉर्म. दैट यू कैन नॉट से आफ्टर ईटिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल आई गॉट 14 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और 14 यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप धूप से आ रहे थे और आपने गन्ने का रस पिया था, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते थे कि कितने यूटिल्स में आपको सेटिस्फैक्शन मिला? नो, ऑब्वियसली नॉट. उनका यह कहना था कि आप कंपेयर कर सकते हो. यू कैन ऑनली कंपेयर दैट आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग वाइल कंज्यूमिंग द सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और एन नंबर ऑफ यूनिट्स. क्लियर? ऑर्डिनल अप्रोच इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट कैन बी एक्सप्रेस इन ऑर्डर और रैंक. तो याद रखिएगा सी स्टैंड्स फॉर कैलकुलेशन. कार्डिनल को कैलकुलेट किया जा सकता है. ओ एंड ऑर्डर, ओ से हम उसको ऑर्डरिंग कर सकते हैं ऑर्डिनल को. क्लियर? तो इसमें इन्होंने बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का यूज किया था. आप देखिए यहां पर कहीं भी आपको नंबर्स के फॉर्म में सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आएगा. इन्होंने कहा कि जहां पर बजट लाइन टेंजेंट कर रही है इंडिफरेंस कर्व को, वहीं पर वो क्या है, सेटिस्फाइड है. ठीक है ना? तो जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर आकर अभी ख़त्म होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का. ठीक है ना? आई होप कि आप इससे जुड़े जितने भी सवाल होंगे उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है और या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ कंटेंट है जो मेरा मिसिंग है या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. वी विल कम अप विद द न्यू वीडियोज़ एंड विद सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स.